दोस्तों, ट्विटर कंपनी ने अपने 11 सालों के इतिहास में 9 साल सिर्फ लॉस झेला है, पर इसके बाद भी एलोन मस्क इसी ट्विटर कंपनी को 3,22,000 करोड़ रुपए देकर आखिर क्यों खरीदना चाहते हैं। ट्विटर को साल 2021 में 10,600 करोड़ का घाटा सहना पड़ा था, पर एलोन मस्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलोन मस्क की ट्विटर पर 9.2% की हिस्सेदारी है और वो दूसरी कंपनियों को अच्छी कीमत देकर ट्विटर के इकलौते मालिक बनना चाहते हैं। एलोन मस्क का ऐसा करने के पीछे उनकी 3 वजह है। नंबर 1, एलोन मस्क ट्विटर पर सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहते हैं, क्योंकि अभी ट्विटर पर सबको बोलने नहीं दिया जाता और लोगों की ट्वीट्स भी आसानी से डिलीट कर दिए जाते हैं। नंबर 2, एलोन मस्क ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और रोज 4 से 5 ट्वीट करके वो लोगों को अपने बिजनेस से कनेक्ट रखते हैं, पर अगर वो ट्विटर के मालिक बन गए तो वो और भी तेजी से लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे और वो अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में डबल स्पीड से पॉपुलर कर पाएंगे। नंबर 3, दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति जैसे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और प्लेयर्स ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एलोन मस्क ट्विटर के मालिक बन जाते हैं तो इन सब ब्लू टिक वाले लोगों का डेटा एलोन मस्क की मुट्ठी में होगा, जिससे एलोन मस्क का हर देश में सिक्का चलेगा। वैसे क्या एलोन मस्क ट्विटर को खरीद सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।